चरखी दादरी से आई हुई है। और हम रक्तवीर टीम की बात करें तो आप सभी ने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी लाखों जो मौत है प्रति साल। अनिता पुनिया जी का हम यहाँ पर पहुंचने पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, बैठिए आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सरला पाठशाला चिड़ावा के अंदर इसी प्रकार से चल रही है जिस प्रकार से आपके यहाँ कक्षाएं लगाती हूँ। नमस्कार सर, जिस प्रकार से हम यहाँ पर एक छोटी सी पहल कार्यक्रम में आए थे, तो अनिता पुनिया जी जो चिड़ावा में जिस प्रकार से नीरज यहाँ पर पढ़ाते हैं, उस प्रकार से ये मेहंदी चिड़ावा में भी इतना अच्छा प्रोत्साहन का कार्य कर रही है, तो इनसे हम कुछ थोड़ी सी बातें करेंगे और इनके आगे के बारे में किस प्रकार से इन्होंने जैसे कि प्रयास किया है वो हमने यूट्यूब चैनल पे छोड़ रखा है, पहले इनकी वीडियो बना रखी है, लेकिन एक छोटी सी क्लिप हम दोबारा चलाने का प्रयास करेंगे। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, जैसे कोई ट्यूशन पे जाता है तो 5 दिन 6 दिन के बाद ही वो ट्यूशन वाला बोल देता है भाई पैसे लेके आना, लेकिन आप इतने साल हो गए आप इतना अच्छा प्रयास कर रहे हो, क्या कुछ आपके मन में ये विचार आया या किस प्रकार से आपको इतना अच्छा महसूस कर रहे हो कि आप इस मुकाम तक आप पहुंचे हो? देखो यो विचार तो जब बच्चा ने भीख मांगता देखा करता उस टाइम पे ही रुझान कुछ अलग होने लगे कि इन बच्चा के लिए कुछ करना चाहिए, जिनकी माँ बाप खुद के लिए सब करा पर उनके खातर कुछ होना चाहिए, रही बात इस मुकाम तक पहुंचने की तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग है बाबा साहब को जो अपना दान दाता हुए थे, जिनकी वजह से बच्चा ने कपड़ा चप्पल जूता और पढ़ाई एकदम निरंतर और टाइम पर मिल रही है, खानो उन्हें एक टाइम को मिला है और उन सबके सहयोग से ही अब 10 तारीख ने मेरी मदर तेरी को अवार्ड मिलो थो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी हरियाणा की ही बेटी हूँ, राजस्थान से नहीं हूँ, हरियाणा बादल आ गए और अंशावास के लगा हुआ। अच्छा, आप इतना अच्छा है प्रयास कर रहे हो, शुरुआत में काफी अड़चने आई, फिर अड़चने आई उस टाइम पे आप इस मन में क्या विचार आया कि नहीं हो जाएगा सब अच्छा होगा? देखो जिस शुरुआत में अड़चन आई तो पहली बाई बात खाओ पियो मौज करिए आराम से रहा, पर जिस अन्य परिस्थिति हम कदम गुजरा कौन था, जिस अन्य परिस्थिति हम गुजरा तो एक बार तो मन करो की सब कुछ छोड़ दिया, पर जिस बच्चा की तरफ देखो तो यह हुई की आज इन बच्चा ने उस हालात बार काट दिया और अब आपा भी छोड़ दिया, तो सुने रहना भी मांग के भी नहीं खास के और के नहीं खास के इन बच्चा के साथ वह कहानी हो जाएगी, तो जब अपनी परिस्थिति उल्टी चाल पड़े उस टाइम पर अपन बस एक ही हुआ है कि अपन उस जगह पर खड़े हो रहे हैं, थोड़ो वो संयम रखना है बस, अगर उस टाइम पर आप संयम रखेंगे तो धीरे धीरे परिस्थिति चेंज हुआ है, जो समय तो चक्र है समय हमेशा बदल तो रहा आदमी। साथ ही जिस प्रकार से बताया जाता है कि कुछ काम ऐसे करो जिनको सिर्फ परमपिता परमात्मा ही देखता है, ये वो काम कर रहे हैं जिन्हें सिर्फ भगवान की दृष्टि है इन पर कि ये कितने अच्छे से मेहनत से ये काम कर रहे हैं, तो मैम हमारे चैनल के माध्यम से आप उन बच्चों के लिए यहाँ पे आप आए हो, इन बच्चों के लिए आगे के भविष्य के बारे में आप क्या कुछ बोलना चाह रहे हो थोड़ा सा बताएं? मैं ये बोलना चाहूँ सबने कि भाई जिस जगह से भी आप देख रहे हो जरूरी नहीं है आप मेयर के नाके सहयोग करो या अंजलि दीदी के नाके सहयोग करो, आपने जिस भी जगह पर जो भी बच्चा इस टाइप का दिखे उनको सहयोग करो, उन्हें उसके तो पढ़ाई से जोड़ो ताकि उन्हें जिंदगी में अपने सहयोग लेने की जरूरत ना पड़े, और यहाँ जो भी बच्चों मिला है उसने रुपया देने के बजाय उसने पढ़ाई से ही जोड़ने की कोशिश करो, इसके खातर मैंने एक पोस्टर भी लॉन्च करो है कि शिक्षा दान माप दान है, शिक्षा से बड़ो कोई दान नहीं है, शिक्षा में वो ताकत है जो हर चीज ना बदल सके, तो जो भी समय अपन बदल तो रहे आज अपने कन है कल अपने कन ना हुआ अपनी परिस्थिति कद किस परिस्थिति में बदल जाए किसन को मिलो समय को चक्कर हो आज अच्छो है कल बुरो है, तो आज जिनको बुरो चल रहे हो उनको अगर आपा साथ देंगा तो कल जब आपको कदम बुरो आओगे तो इनको अपने के लिए भी खड़े होगा, एक लिए सब भैया से इतनी विनती है कि सबको साथ दो और प्यार से रहो प्रेम से रहो, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता सब मिलके हर चीज ना बदल सको, सबने जय राम जी। साथियों इतनी अच्छी इनकी सोच है, वो कहते हैं जिस इंसान के पास जो होता है तो वही दे सकते हैं, तो इनके पास इतने अच्छे विचार, सबसे पहले हम इनके माता पिता को साधा प्रणाम करते हैं कि इतने अच्छे संस्कार इनमें आए, इनसे पहले तो कहते हैं जी मात पिता सर्वप्रथम, भाई माता पिता के द्वारा दिए गए इनके पास गुण आज इनके साथ साथ इनके माता पिता का भी नाम जुड़ा हुआ है, तो हमने दीदी से बात की बहुत अच्छा लगा, आप भी एक दूसरे की मदद करें और पुण्य के भागे बने। उन टावरा नाम तो तू खा गो थो यो शब्द सात आदमी जिस दिन एक समाज सेवा में कदम रख ले है
उस दिन पहला शब्द मिल जाए उसने ये, और ये शब्द उसका या कोनी कि उसका पीढ़ी दर पीढ़ी चल दिया वह मारे वर्गा मानू बहु की मारी सात पीढ़ी आता पीछे लगवा दिया हमें। तो इसका खातर सबसे पहले आप दोनों बहुत सारो धन्यवाद है, धन्यवाद नहीं करना चाहूंगी मैं, क्योंकि धन्यवाद करके मैं आपने छोटो को करना चाहूँ, आप जैसा भाई और भी निकले जो इस काम ने करना चाहूँ। अभी अभी भाई जी ने बताई थी कि ये पौधा के ऊपर काम कर रहा है, एक भाई ने बताई कि वह ब्लड का खातर काम कर रहा है। देखो आप अपने क्षेत्र में के करांगा वो अपनी लाइन पहले तो ही निखेड़िया हुआ है कि अपन किस साइड में जानू है। मैं सबसे पहले हरियाणा में योगा टीचर थी, जिस टाइम पर मेरी शादी हुई उसे तीन महीना पहले मैंने नौकरी छोड़ी, दूसरी बार मेरा सिलेक्शन पुलिस में हुआ उससे भी मैंने संतुष्टि महसूस को नहीं हुई, मैंने बात छोड़ी। तीसरी बार मैं LLB करने लगी, जिस टाइम पर LLB की एक साल पूरी हुई वो टाइम पर डॉक्टर बोले कि या तो बेटन पाड़ो या LLB करो, आप इतना ज्यादा बीमार होया कर तो कि उसके हाथ में से इंजेक्शन कदे निकल तो को नहीं, अगर एक दो दिन निकल गयो तो उसका उसने एडमिट ही करवाना पड़ा कर तो बोले या तो बेटो पाड़ो या फिर बोले आप LLB कर लो, तो वह छोड़ दी थी। और उसके साथ में कद मैं इस डलान में डल गई पतो भी कौन चलो, मेरे पास में बच्चा रहा करता जिस बच्चा खेला करता मेरा खुद का, गुड़िया बड़ी थी तो गुड़िया खेलती उसने बस छुप छुप के देखा करता, और मोहल्ले के मैं मनु उस टाइम पर वो मकान किराए पर लियो हो जाके और मारा खुद का मकान बनाना चालू कराया, उन बच्चा ने कोई आपका हाथ भी कौन लगाने दिया कर तो मैं उन्हें गाड़ी देनी शुरू कर दी, खिलाना शुरू कर दिया, मेरा कन्ने बैठाना चालू कर दिया, जिस गुड़िया ने होमवर्क करवाती तो उन्हें कॉपी थमानी शुरू कर दी। हकीकत यह है कि मैंने ज्यादा इतना ज्ञान कौन थो कि आगे चल के आ चीज इतनी बड़ी हो जाएगी और मैं भी इतना वो हो जाऊ कि मैं छोड़ कौन सकूं इस चीज ने। तो उस दिन से वह शुरुआत हो रही थी, सिर्फ दो बच्चा ने बैठाना चालू कराया, आज 97 बच्चा हो रहा है। आज 97 बच्चा मैं तो इंग्लिश मीडियम में दो बच्चा टेस्ट क्लियर करके 8वीं क्लास में एडमिशन पायो है होना बच्चा मैं थे। जिस टाइम पर मैंने बोलिया करता कि तू के कर देगी ना पढ़ा के, बोले चाहे कितनों भी कुछ भी कर ले ना जाके रहना है कीचड़ में, बोले जाके पत्थर मारेगा कीचड़ में, और मैं भाई उस कीचड़ से कद कलम निकल जाके इन बेरो को। और आज 35 बच्चा ने साबित कर दी कि वह आने वाला टाइम में कुछ ना कुछ करके आऊंगा। आज 35 बच्चा है जो अलग अलग स्कूल में 6वीं 7वीं 8वीं निकल के जा लिया, और कुछ अभी तक 97 बच्चा मेरे पास में। तो या आज या पहल छोटी सी लगा है, आज और आप ही बैठा हाँ थोड़ी सी दूर में लाग रही है, इसके खातर बस इन हौसलों रखना पड़ेगा कि जिस दिन से मैं ताना सुनना चालू होगा, मैं ससुर जी हूँ, वह कैप्टन से रिटायर है, और यह मेरा खुद पर बितेड़ी बात है, आप सबने बेरोगो कि जब कैप्टन से रिटायर आदमी हुआ है तो वो कितनों ज्यादा मिलिट्री का मैं मतलब सख्त होते हो, उसका खतर कायदा कानून उसकी इज्जत कितनों मायनों रखती होगी। तो वह एक दिन कैंटीन में गया तो उनका दोस्त था राजस्थान में, आज कोई जगह इसी कुनी की नाम नहीं जानती होगी, तो उनका दोस्त बैठा था, तो सारी तरह का आदमी उन देखो अभी मैं बोलूंगी अच्छो है आगे से चाल के मैं बोल दू के बेरो की बुरो कर रहा है। तो यह अपने दिमाग की थ्योरी हुआ है कि आप किस साइड में जाओ, तो वह बोलिया कि वाह कैप्टन साहब आप तो कैप्टन से रिटायर, बेटो आपको विदेश में कमावा है, और बोले आपकी बोना कटोरो ले लियो हाथ में। ये शब्द था मेरे ससुर जी का खातर उस दोस्त का कि आपकी बहू ने तो आपको बहुत बड़ो नाम रोशन कर रखो है, हाथ में कटोरो ले लियो। और यह बात जब पापा ने मेरे तक आके बताई तो मैं पूरी कपन लगी थी टाइम पर कि देखो मान सम्मान सबने चाहिए, वही इतनी बात बोल के मन चुप हो गया। मैं सोची आग लो जवाब देरो को नहीं पापा हो के होगा, शायद यह भी हो जाए कि बंद कर दे इससे ज्यादा बेइज्जती मैं सहन कौन कर सकूं। फिर मैं धीरे से बोली कि पापा आप क्या बोलिया, बोले मां उसने मैं यह बोलियो कि भाई तू उस कटोरम किस दिन के डाल के नायो यह बता, अगर तन्ना उस कटोरम कुछ डालियो है तो तू मैंने बता तू तेरो सूद समेत वापिस ले ले। और दूसरी बात यह है अगर 90 बच्चा का हाथ में कटोरो छुटवाने खातर मेरे अकेली बू ने कटोरो ले रखा है तो बोले मैं हिंदुस्तान को मिलिट्री को कैप्टन रह रू, मन गर्व है इस बात के ऊपर। मैं खुद भी मेरे हस्बैंड के साथ कुछ दिन खातर दुबई गई थी, उठे भी मेरा सवाल थोड़ा अजीब हो आया करता, मैं इन्हें पूछा करती कि आपा एक बस स्टैंड पर भी जावा तो भी अपना बाहर का 10 बच्चा फिर जाए, कोई कहो खाओ कौन है, कोई कहो चप्पल को नहीं पैराम, कोई कहो कुछ दे दो, यह हकीकत अपनी पर उरे कोई देखने को नहीं के कारण आयो, तो एक आया करता मैंने कुंभेरू ये इतना ही बोला करता। और मैं उठे थे अनके कहना से मैं वापस आ गई कि मैंने जाके उठा ही कुछ करनू है और कुछ अलग करनू है, वो उसके बाद में ही मैंने LLB में एडमिशन लियो कि मैंने कुछ ना कुछ करनू है, मैंने यो कुंभेरू तो कि मैं धीरे धीरे ऐसी चीज में डर जाऊंगी। तो यह चीज जो आज आप कर रहे हैं यह दिखना छोटी है भाई,
आने वाला टाइम है या बहुत बड़ी हो गई, सबसे मेन जो चीज है अगर हिंदुस्तान ने सशक्त करनू अपन तो सबसे पहले बच्चा ने अपना आप पर निर्भर होवे। और आज मैं बच्चा खातर कॉपी किताब लेके आई हूँ या कॉपी मैं दे दूंगी, एक बच्चा के लिए 10 दिन चल जाएगी, 20 दिन चल जाएगी, मेरे काम तो खत्म हो गए, मैं चले जाऊंगी वापिस। भाई जी मन बोल सके कि मैडम तू ही कॉपी देके जा, अगर बच्चे कन कॉपी नहीं इन व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहे कितने से करो क्योंकि इन्हें जिम्मेदारी ले ली। आप सबकी जिम्मेदारी बना है कि आप आपके बच्चे को जन्मदिन आ है हल्ला गुल्ला का महीना आप 10,000 रुपया खर्च कर दिया, हाँ और वह 10,000 किस में गया पतो भी कौन चल है। अगर वो 10,000 में तो सिर्फ 1100 रुपया आप इस भाई के कहना है कि तमें दान करोगा और इसने उस 1100 रुपया एक कॉपी दिलाओगा तो वह कॉपी या सोचो एक बच्चो उस कॉपी से एक महीना खातर पढ़ेगा, भाई ना थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी, इन दोनों ने हिम्मत के साथ ये काम करेगा कि लोग अपने साथ जुड़ गया है। इसका साथ आप पुराना कपड़ा लेके आ सको हो क्योंकि मैं ये सब चीज लू हूँ, पुराना कपड़ा, पुरानी जूता, पुरानी चप्पल और पुरानी कॉपी किताब भी, भाई कॉपी तो फिर भी भर जा है, किताब काम में आ जा है। अभी अभी जो भाई जी बोल रहा था वह बात सही है, संस्था सिर्फ इस चीज से कौन सा लगे कि कोई आवेगा और नई चीज देके जाओ भाई बच्चा जाऊंगा, अगर पुराना कपड़ा भी देके जाओगा तो बच्चा नंगा भी आवे है, मेरे कन तो आवे भाई अहिया का बच्चा आवे है कि ऊपर को है तो नीचे को नहीं, नीचे को है तो ऊपर को नहीं, तो उन बच्चा के खातर वो पुराना कपड़ा भी काम में आ जाऊंगा, फिर परिवार वाला के लिए भी काम में आवे है, जिनके ऊपर तिरपाल भी नहीं हुआ धीरे धीरे करके वह चीज बढ़ती जा है। आज उन बच्चा के खातर पहले मैं भी तिरपाल के नीचे पढ़ाया करती और 3 साल तक तिरपाल के नीचे ही पढ़ायो थो, उसके बाद में खुद को प्लाट थो, वो प्लाट बच्चा का नाम पे करो, पहले समिति का नाम करो है, उसके बाद धीरे धीरे करके ना जितना भी उठा भाई जोड़ा था उन सब रिक्वेस्ट कर करके कहीं ने एक ट्रोली त्या की भेजी तो कहीं ना 10 कट्टा सीमेंट का दिया, कहीं ने 100 कट्टा दिया, अहिया अहिया करके वह आज उनके सिर का ऊपर छात होगी कि टैन डाल दी उनका खाता। मेरे बोलने को मतलब यो मैं यह पूछा हूँ कि मैं आपने मेरे बारे में बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि जिस तरीके से मैंने करो थो उस तरीके से उठेगा जो लोगों ने मेरे साथ दियो है। आप मैं तो उरे का अगर 10 आदमी भी शामिल हो तो ये 10 जाके 10 ने बताओगा, 10 अगले 10 ने बताऊंगा, एक कार वो जुड़ते जागो और ये बच्चा सफल होता जाएगा और इनकी दुआ में असर बहुत हुआ है। अगर बच्चा हंसता खिलखिलाता रहे ना, देखो आप बड़े ने अगर कुछ ध्यान है कोई भी बड़ो आदमी अपने तेरे मांगने आयो ते 100 रुपया दे दियो, बनियो कहूंगा 100 मत को नहीं आओ साहब, 20 रुपया और देना चप्पल आ जाए, ये शब्द हुआ है। एक बच्चा ने एक बिस्कुट आओ पुड़ो दे दो, वो इतना खुश होके जागो कि वो दूसरी बार या कौन बोलो 200 पुड़ो दे दे मन, वो उसे एक बिस्कुट आओ पुड़ो खुश हो जाए तो बच्चा की दुआ कदे खाली कौन जा। और आप इनके खतर अगर अन्न को दान करा उसकी एक एक्सपायर डेट आ जाए वो 10 दिन 15 दिन, अगर शिक्षा को दान हो दो तो इसकी आने वाली पीढ़ी ने या इसका परिवार में तो इन्हें किसी कन्नत कोई सहयोग की जरूरत कौन पड़ेगी। और आप इतना तो समझदार है, हाँ आजाद हिंदुस्तान रू रहे रहा क्योंकि मैं फुल छुट्टी लेके आई हूँ तारे नाम पर कि आज मैंने उठा का बच्चा हाथी टाइम निकाल लो है, मेरे लिए बच्चा मैडम संभाल दी है तो आज को टाइम आपके नाम है, जितनी देर होगा इतनी देर रहा इतनी देर मौज मस्ती होगी, ठीक है। जिंदगी न्यू ही चलती रहे बेटा, उतार चढ़ाव न्यू आता रहे, कल आने वाला टाइम है कौन बच्चों देरों ने थार ले गया होगा हमारे बीच में, अब आपकी कोई गारंटी नहीं है और वह तय ही होगा, ठीक है। एक बार जोश से लगाना है भारत माता को नारो लगाऊंगा और वो भी पूरा जोश से पतो चालना चाहिए कि आज किन बच्चा को प्रोग्राम है, ठीक है। चल खड़े हो गया अब भारत माता को नारो मैं नहीं यो बच्चों लगाओगे, भारत माता की जय, तू बोलोगे सिर्फ भारत माता की, बच्चा बोलेगा जय भारत माता की जय। हां भाई जोश को नहीं, अरे दिखाना है कि आपा हाँ और बच्चा है, ठीक है, पूरा जोश से बोलो, अब की बार ये पीछे हाथ उठा लियो भारत माता की जय। अब तो अकेले बच्चा के लगवाए, और कोई बच्चों कुछ सुनाओगे के कुछ बोलोगा आज ना डांस से करना है। चलो ठीक है भाई, सबने मेरी तरफ से राम राम और जय हिंद जय भारत, और आप सबने भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और सब भाई मिलके इनको साथ दो, आपके एरिया में बातचीत होगी, अब आपने दूर तक जाने की भी जरूरत को नहीं, और दान करण खातर बहुत सारी चीज हुए हैं, कया भी करके आगे बढ़ाओ, पैर मत खींचो अपना हरियाणा इस चीज में जाने जा, मैंने उठा लोग बोल रहे हैं कि अगर तू हरियाणा में होती तो अभी तक तो स्कूल बहुत बड़ी हो जाती, तो वो नाम मत डुबो भाई, सब मिलके साथ दो, इसकी स्कूल मेरे से बड़ी बनवाओ, ठीक है। सब आया ने जय हिंद।